तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द फूड किचन। में मैं आज बनाऊंगा बालूशाही, बिल्कुल खस्ता। तो मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से बनता है ये बालूशाही। मेरे साथ आप लोग बने रहे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक परात सा ले लिया है बर्तन। मैंने उस पर ले लिया इस कटोरी के मेजरमेंट के हिसाब से 2 कटोरी मैदा, जिसका लगभग मेजरमेंट है 400 ग्राम। अब 400 ग्राम में मैं थोड़ा सा मिलाऊंगा इसके अंदर बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग सोडा का यूज नहीं करना आपने। ये मैंने बेकिंग पाउडर यूज कर रहा हूँ इसमें। मैं थोड़ा सा इसमें डाल दूंगा नमक। और मैं इसमें यूज कर रहा हूँ 150 ग्राम देसी घी। घी से क्या होता है, बहुत ही खस्ता होता है। तेल से क्या होता है, बहुत कुरकुरा होता है। तो मेरे साथ आप लोग बने रहे, मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से बनता है। अच्छे से मिक्स कर लेना पहले। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया इसके अंदर, मैदे के अंदर। अब आप देखेंगे इस तरीके से मुट्ठी अगर बंध रहा है तो आपका ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं क्या मुझे क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको बाइंड करना है, जोड़ना है इसको। जैसे हम आटा गूंदते वैसा नहीं करना है, सिर्फ जोड़ना है इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। तो देखिए, मैंने इसको बाइंड कर लिया है, जोड़ लिया है। इसको आटा गूंदना नहीं, आपको सिर्फ इसको जोड़ना है इस तरीके से। अब मैं थोड़ा सा इसको रेस्ट दे देता हूँ 10 मिनट के लिए। अब बालूशाही बनाने शुरू करते हैं। किस तरीके से बनता है बालूशाही, आपको थोड़ा थोड़ा लोई ले लेना है इस तरीके से। अपने हाथ के हथेली किस तरीके से रख के धीरे धीरे घुमाना है। और आपको एक उंगली डाल के बीच में इस तरह से छेद कर देना है, ताकि छेद आर पार हो जाए। उससे क्या होगा, ये अच्छे से सिक जाएगा जब इसको फ्राई करेंगे। तो मैं इस तरीके से सारा बना लेता हूँ। ये हमने बना लिया है, अब इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से पहले मैं बता दूं आपको, आपको रिफाइंड तेल का यूज करना है और तेल बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं। बिल्कुल लो फ्लेम में आपको इसको फ्राई करना है। फ्रेंड देखिए, हमने इस तरीके से आपको गोल्डन ब्राउन कर लेना है, ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब हमने इसको चाशनी पर डाल देना है, चाशनी थोड़ा हल्का गर्म है। तो फ्रेंड देखिए, बालूशाही बनकर तैयार हो गया, बिल्कुल हलवाई जैसा। मैंने उसको थोड़ा सा चांदी का वर्क भी लगा दिया है। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नए नए वीडियो के साथ।